श्री सनातन धर्म रक्षिणी सभा के द्वारा यहाँ पर राम ढोल यात्रा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें जन्माष्टमी के एक दिन के बाद यहाँ पर श्री राम ढोल यात्रा का आयोजन किया जाता है। आज ये भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली जा रही है। हम बात करेंगे जो सभा के मंत्री है सौरभ भूषण शर्मा, वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर आज ये राम ढोल यात्रा पिछले वर्ष की मुताबिक हम देख पा रहे हैं काफी बड़ी और भव्य शोभा यात्रा है, क्या कारण है? देखिएगा, हर साल हम इसमें कुछ ना कुछ नया करते हैं और भगवान किशन जी की जन्माष्टमी के उपलक्ष में जो राम ढोल शोभा यात्रा निकलती है लगभग 150-200 साल पुरानी हो चुकी है हमारी, तो रुड़की के लिए भी गर्व का विषय है और निरंतर हर साल भव्य रूप लेती जा रही है। आपकी और 10-15-20 झांकियां इसमें हैं, शामिल सम्मिलित हुई है, 5 बैंड सम्मिलित है, इसमें बहुत बड़ा रूप है ये। तो ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ निकलेगी? ये चोपड़ा धर्मशाला से शुरू होके मेन बाजार होते हुए नाच मंडी होते हुए पुरानी तहसील और फिर मेन बाजार में जो अपना चौक है वहाँ पर इसका समापन होगा। ये हर वर्ष जन्माष्टमी के 2 दिन बाद ही निकाली जाती है? हर वर्ष दो, तो अगले दिन एक दिन छोड़ के उसके दिन निकलती है।